नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार रूस में पढ़ाई कर रही सृष्टि शर्मा के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए सीएम के निर्देश पर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। गृह विभाग ने विदेश मंत्रालय से रूस में सड़क दुर्घटना में मृत कुमारी सृष्टि शर्मा के पार्थिव शरीर को भारत लाने में आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। बता दें कि सृष्टि शर्मा रूस में MBBS की पढ़ाई कर रही थी, जहां सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के मैहर निवासी डॉ राम कुमार शर्मा की बेटी रूस में MBBS की तैयारी कर रही थी, जहां उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो वे दुखी हो गए। परिजनों ने सरकार से सृष्टि के शव को भारत लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। सृष्टि के परिवार और रूसी मीडिया के मुताबिक यह घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब MBBS की छात्रा सृष्टि शर्मा अपने 6 दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रही थी। रास्ते में अचानक कार का टायर निकल गया, जिससे कार का गेट खुल गया और छात्रा सड़क पर गिर गई। गिरने की वजह से छात्रा के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि छात्रा ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जबकि अन्य लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। सीएम ने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की खबर दी। इसके साथ ही सीएम ने लिखा, राज्य सरकार इस दुखद घटना में परिवार को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है और कुमारी सृष्टि शर्मा के पार्थिव शरीर को शीघ्र और सुरक्षित उनके गृहनगर मैहर मध्य प्रदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि क्रूस में एक सड़क दुर्घटना में मृत कुमारी सृष्टि शर्मा पुत्री डॉक्टर राम कुमार शर्मा निवासी मैहर मध्य प्रदेश के पार्थिव शरीर को भारत लाने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।